दो साल की कड़ी मेहनत के बाद 2020 जेईई मेंस के परीक्षा परिणाम में 99.96% अंक हासिल कर शिमला के सार्थक दीवान ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। वहीं सार्थक को मिली इस कामयाबी से उनके घर वाले भी बहुत खुश हैं। आपको बता दें कि सार्थक का अगला लक्ष्य आगामी 17 मई को होने वाली एडवांस परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर अपने कंप्यूटर इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करना है। जेईई मेंस 2020 के परीक्षा परिणाम में शिमला के सार्थक दीवान ने टॉप कर पूरे प्रदेश में अपना नाम चमकाया है। उन्होंने 99.96% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। सार्थक शिमला के संजौली के रहने वाले हैं। सार्थक ने बताया कि उन्होंने इस परीक्षा को पास करने के लिए रोजाना 6 से 7 घंटे पढ़ाई की और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना था, के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और परीक्षा के परिणाम आने के बाद सार्थक बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य जेईई एडवांस परीक्षा में अच्छे अंक लेकर देश के बेहतरीन आईआईटी में प्रवेश पाना है। सार्थक ने अपनी इस सफलता का श्रेय माता पिता और अध्यापकों को दिया है। सार्थक के माता पिता दोनों ही आईजीएमसी में चिकित्सक है, लेकिन सार्थक ने मेडिकल की फील्ड छोड़कर इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने की सोची, जिसमें उन्हें माता पिता का पूरा सहयोग मिला। ये मेरी और मेरी फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट है, खुशी का मौका है। नहीं, मैंने ऐसा टॉप करने का तो नहीं सोचा था, बस एक अच्छी रैंक लाना और एक ऑल इंडिया अच्छी रैंक लाने का एम है, बाकी कोई टॉप करने का कोई ऐसा एम नहीं है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, अगर मार्क्स कम आ जाते थे तो बोलते कोई बात नहीं, अच्छा कर ले, बस अपने हिसाब से मेहनत कर जितना हो सकता है और बाकी फिर उसके बाद तो फिर एग्ज़ाम डे मैटर करता है। बाकी मतलब उस दिन आप कैसा परफॉर्म कर पाते हो, उससे पहले तो बस मेहनत ही कर सकते हैं। प्रेपरेशन में तो टीचर्स का सपोर्ट था, प्रेपरेशन में पेरेंट्स का सपोर्ट था, बाकी सेल्फ स्टडी थी, बाकी गेम्स हो गए और ये सोशल मीडिया वगैरह, इन सब से थोड़ी दूरी बनाए रखी। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए कि इधर से थोड़ा सा इधर से पढ़ लिया, थोड़ा इधर से पढ़ लिया, एक चीज़ पे मतलब स्टिक रहना चाहिए कि ये जैसे 4-5 बुक्स से सिर्फ इन्हीं से ही पढ़ना है, पहले ये अच्छे से हो जाए, इसके सारे क्वेश्चन आ जाएँ, उसके बाद हम कहीं और मूव ऑन करेंगे। फ्यूचर में अभी मेन एम तो जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लाकर फिर कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करनी है किसी अच्छे आईआईटी में, और बाकी तो अभी यही है अभी फिलहाल। और बच्चों के लिए तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अब कंसिस्टेंटली मेहनत करें, जितना कर सकते हैं अच्छे से स्लोली पढ़ें ताकि चीज़ें समझ आए और बाकी प्रैक्टिस करें। सार्थक की माता डॉक्टर दीपा दीवान जो कि आईजीएमसी में कार्यरत हैं, उन्होंने बेटे की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है और बेटे को आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं भी दी। एक्सपेक्टिंग कि अच्छा करेगा, पर ऑब्वियसली आई स्टेट टॉपर इज अ बिग अचीवमेंट, आई एम फीलिंग रियली प्राउड। मैं तो बच्चों को हमेशा यही कहती रही थी कि जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी में ही जाओ, बेसिकली उसी में ही एक्सेल कर पाएगा, मेरे फोर्स करने से ये एक्सेल नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर इसका इंटरेस्ट बायो में नहीं है और मैथ्स में है तो मैं बायो नहीं पढ़ा सकती इसको, तो हमने ओपन चॉइस रखी थी बच्चों के लिए। अगर एक पेरेंट्स या जो बच्चे के सबसे क्लोज होते हैं, अगर हम बच्चे को एक फ्रेंड की तरह देख के उसको समझें कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है, उसी डायरेक्शन में अगर हम उसको लेके जाएं तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। हम अपनी मर्जी से करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो कभी मेरे हिसाब से किसी भी पेरेंट्स को बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैम 10th के बाद 11th टोटली डिफरेंट स्ट्रीम, मीन्स स्टार्टिंग विद नॉन मेडिकल, तो उसमें प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती ही है बच्चे को। अगर बच्चा 10th के बाद कोई भी स्ट्रीम लेता है उसको प्रॉब्लम आती है, तो उसमें एज अ फ्रेंड अगर हम बच्चे को टाइम दें तो उससे बच्चे को फ़ायदा होगा, वो रिलैक्स फील करेगा, वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा। बेसिकली इसमें हमें टाइम देना है, हम और कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना तो उसी में है। मैं तो यही एक्चुअली मैं तो यही कहूँगी, प्रेयर करूँगी कि जहाँ इसने इतना किया थोड़ी और मेहनत करके एडवांस कर लेगा तो अपने ड्रीम कॉलेज में ड्रीम सब्जेक्ट ले लेगा, बस और तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वहीं पिता डॉक्टर योगेश दीवान जो कि आईजीएमसी में ही बतौर प्रोफेसर कार्यरत है, उन्होंने कहा कि उन्हें सार्थक की मेहनत देखकर इतना यकीन था कि सार्थक इस परीक्षा में अच्छा करेगा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह पूरे प्रदेश में टॉप करेगा। वह अपने बेटे की इस उपलब्धि पर बेहद खुश है। सार्थक ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को यह संदेश दिया कि वह अपनी पढ़ाई पर खूब फोकस करें और छोटी छोटी हार से निराश न हो और हर जगह से स्टडी मटेरियल न जुटाकर ऐसे मटेरियल जुटाएं जो कोर्स से संबंधित हो। वहीं अब
सार्थक का अगला लक्ष्य बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के साथ ही जेईई एडवांस परीक्षा में अच्छे अंक लेकर देश के बेहतरीन आईआईटी में प्रवेश पाना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बेटे के लिए। हमने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा पढ़ रहा है तो अच्छा रैंक लाएगा, पर ये नहीं सोचा था कि टॉप कर जाएगा। तो वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी। एक मेन चीज़ हमने ये ऑब्जर्व किया कि उसको मेडिकल फील्ड नहीं पसंद था स्टार्टिंग से। 9th-10th में जैसे बायो उसने पढ़नी थी तो उसको नहीं वो याद होती थी, बड़ी मुश्किल से उसने किया। वो साहब बता दिए थे कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो हमने भी कभी प्रेशर्स नहीं किया। मैथमेटिक्स अच्छा था, फिजिक्स वगैरह उसकी अच्छी थी, दी वॉज सेइंग कि मैं कंप्यूटर वाली फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो हमने हमेशा उसको सपोर्ट किया कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाह रहा है उसको सपोर्ट किया। और आई थिंक उसी का ये नतीजा रहा है कि वो देखो नाउ ही हैज़ बिकम द स्टेट टॉप। मैं खुद एक टीचर हूँ, अब बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनका जिस वे में वो पढ़ते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ ये बच्चा कुछ करेगा। इतना मैंने देख के ऑब्जर्व कर लिया था कि कुछ करेगा, पर ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। वो मेन चीज़ है कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बाकी यह है कि अब देखिए एग्ज़ाम है, कभी बच्चा कुछ क्वेश्चन गलत कराता है तो आप उसके साथ देखें हाँ बेटे ये गलत हो गया, चलो आप रिवाइज करो। आप देखो कि आपने चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर से क्वेश्चन क्यों नहीं आए आपके, रिवाइज कर लो। तो दिस इज़ ओनली वे आउट। और बच्चे को डांटने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इस तरह की सिचुएशन कई बार आती है, पढ़ रहे हैं नहीं समझ आ रहा है, हम कोशिश करते हैं चलो, बिकॉज हम भी मेडिकल साइड से हम भी इतनी हेल्प नहीं कर पाते, अब बहुत पहले चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उसके टीचर्स के साथ चलो आप सर से अपने सर से बात कर लो, इससे बात कर लो। तो इस तरह से बच्चे को थोड़ा सा डिस्ट्रेस करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अभी जेई एडवांस के लिए इसको हमारी तरफ से बेस्ट विशेज हैं कि अच्छा रैंक लाए। और जैसे इसका कंप्यूटर साइंस फील्ड में इंटरेस्ट है, आईआईटी बॉम्बे है, दिल्ली है, तो अच्छे आईआईटी में जाए। हमें हमारी तो यही विश्वास है कि अच्छा करेगा, किसी कॉलेज में जाएगा।